दुर्ग पुलिस को नशे के कारोबार से जुड़े बड़े जखीरा के साथ दो आरोपियों को पकड़ने में मिली कामयाबी। दोनों आरोपी सगे भाई निकले, जिनके पास से लगभग 30,000 रुपए का जखीरा बरामद किया गया। नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बार फिर दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में लगातार नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पता साझी कर पुलिस अपराधी तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में दुर्ग की वार्ड 30 समेरपारा निवासी अभिषेक कसार व अमन कसार को बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ उसके निवास से धर दबोचा गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रिंटिंग प्रेस व प्रिंटिंग का कार्य किया करता था, मगर कम समय में अधिक धन कमाने के चक्कर में नशीली दवाओं की सप्लाई करने लगा। इसी कड़ी में आरोपी के पास से 3,857 नशीली टैबलेट और 127 सिरप की शीशियां जब्त की गई। ये आरोपी अलग अलग जगहों पर नशीली दवाओं को बेचा करते थे और दोनों सगे भाई हैं। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस लगातार हारेगा नशा जीतेगा दुर्ग की तर्ज पर इन जैसे आरोपियों की पता साझी कर धर दबोच कर अपराधियों को सीधे जेल की हवा खिला रही है। रविवार को दुर्ग जिला एसपी कार्यालय में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर आरोपियों का पर्दाफाश किया और इस संबंध में मीडिया के समक्ष अपील करते हुए प्रतिक्रिया भी दी। नशे के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दो बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ा है, जिनके पास से अल्फाजोरम की 32 पत्ते में 2400 टैबलेट, 34 नाइट्रोबेट पत्ती में करीब 1000 टैबलेट, 17 ड्रामाडोल पत्ती में 480 कैप्सूल, 96 जो है ये कफ्यूरम जो अपना कूलिंग बेस्ड है वो, और इनको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। लगातार पुलिस को खबर मिल रही थी कि स्कूल कॉलेज के बच्चे नए लोगों को नशे के आदत में ढकेला जा रहा है कैप्सूल और टैबलेट का इस्तेमाल करके। इसमें भी कार्रवाई की जा रही है, किसे कैसे यहाँ पहुँचा है, कैसे कौन इनको सप्लाई कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी पताबाजी की जा रही है। दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी बैच नंबर से पता लगाया जाएगा कि कहाँ पे के लिए भेजा गया था, कौन इसके इंटरमीडियरीज थे, कौन इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नोटिस दिया जाएगा। मेरा सभी दवाई के दुकान वालों से भी आह्वान है कि वो इस तरह के नशीली दवाइयों को इस बड़ी मात्रा में एजेंट्स को ना दें, अन्यथा उनके ऊपर भी एनडीपीएफ एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। एनडीपीएफ कार्रवाई में सभी दुकान वालों को किस डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसका एक जीरोक्स कॉपी रजिस्टर एंट्री करके रखना पड़ता है। बहुत सारे दुकानदार बार बार बताने के बाद भी रजिस्टर को प्रॉपर एंट्री नहीं कर रहे हैं, खामी पाए जाने पर उनकी दुकानें सील हो जाएंगी, जो उनके फार्मेसिस्ट जो वहाँ पर हैं उनकी भी डिग्री जो है कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले समय में दुर्ग पुलिस इन सब पे सख्ती से कार्रवाई करेगी। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 बार बार मीडिया के थ्रू सर्कुलेट किया है, उस पर व्हाट्सएप चलता है, लोग लोकेशन भेज सकते हैं, फोटोग्राफ भेज सकते हैं, किसी भी एनोनिमस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबकी गोपनीयता मेंटेन की जाएगी और ये जितने ड्रग पेडलर्स हैं उन पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस इन ड्रग पेडलर्स पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे कार्य कर रही है और आने वाले समय में ये सारे ड्रग पेडलर्स या तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे या फिर गिरफ्तार किए जाएंगे। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इस क्षेत्र में लगातार उन्हें सफलता भी मिल रही है। हाल फिलहाल में लगे इस सफलता को भी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।